मधुर जी आपसे पूछना चाहूंगी, हर मूवी के साथ में आपने एक अलग टाइप के, जैसा मैं कह रही थी, पावर को अनरावल करने की कोशिश की है, बट देन व्हाई इंदु सरकार? एक पीरियड फिल्म क्यों की आपने? ऐसा ड्रामा क्यों चुना आपने? व्हाई दिस? मुझे ऐसा लगा कि हमेशा एक होता है कि मैंने जितनी फिल्म बनाई बॉम्बे सेंट्रिक रही है और हमेशा ग्लैमर वर्ल्ड या ट्रैफिक सिग्नल या कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दर्शाया है, या बॉलीवुड की हम बात करें, तो मुझे लगा कि हमेशा एक पीरियड फिल्म का एक कॉन्सेप्ट था कि बनाना चाहिए. और 70s का मैं बड़ा फ़ैन हूँ. एक आर डी बर्मन हुए, किशोर दा हुए, लता दीदी हुए, उनके गाने हमेशा वी ग्रोन अप ऑन 70s थिंग. एंड मी एंड माय राइटर अनिल, वी वर सिटिंग एंड वी वर डिस्कसिंग क्या करना चाहिए क्या. एंड सडनली द आइडिया पॉप्ड आउट के इमरजेंसी बैकड्रॉप एक फिल्म बनाते, अभी तक किसी ने बनाई नहीं, और ह्यूमन ड्रामा उसको देते हैं, और इवेंट्स जो है वो थ्रू इवेंट्स पे बेसिकली इंस्पायर्ड है. और मुझे लगा कि 70s है, अच्छा रहेगा वो उस एरा को पकड़ना, दिल्ली खास करके, वो दिल्ली का पूरा बेस है पिक्चर का. तो और मुझे लगा ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है बताना आज की तारीख की, आज की जनरेशन को, खास करके जो इमरजेंसी 1975 से लेकर 77 के दौरान 21 मंथ की जो इमरजेंसी थी, वो आज की जनरेशन इतनी अवेयर नहीं है. हालांकि पॉलिटिकली काफ़ी पिछले 5-6 साल से, जब से सोशल मीडिया आया है, तो हमने देखा कि पॉलिटिकली थोड़े से अवेयरनेस आ गई है. तो ये सही टाइम है पिक्चर बनाने का इमरजेंसी पे, और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वर्कआउट किया इस पे, और संजय छेल साहब ने इतने अच्छे अच्छे डायलॉग लिखे, और दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड एंड पिक्चर बनाई हमने. क्या बात है, वी आर अवेटिंग द रिलीज, 28th ऑफ जुलाई को है. थैंक यू सो मच. क्या हाँ, काफ़ी बुक्स पढ़े, जैसे कि कुलदीप नय्यर साहब की अनटोल्ड इमरजेंसी एक बुक है, कोमी कपूर जी की बुक है द इमरजेंसी, और शाह कमीशन पढ़ा, और काफ़ी काफ़ी स्मगलर्स ऑफ एक इमरजेंसी पे बुक है, काफ़ी चीज़ है. तो ऐसे रिसर्च किए, फिर नेहरू सेंटर में मुझे बहुत हेल्प मिला. नेहरू सेंटर और आर्काइव्स है दिल्ली में, वहाँ पे मैं और अनिल पांडे जी हम वहाँ पे गए, बैठे कम से कम 2-3 महीना, वहाँ पे हम लोग काफ़ी मटेरियल मिला, और इसको थ्रू इवेंट्स पे रख के हमने इसको फिक्शन कैरेक्टर ऐड किया है. कीर्ति का जो कैरेक्टर है, टोटा जी का कैरेक्टर है, बाकी कहीं कैरेक्टर्स है पिक्चर में, कहीं से इंस्पिरेशन काफ़ी मिला उससे. सो फार तो आई डोंट नो, आई होप सेंसर विल बी वेरी लीनियंट टू दिस फिल्म एंड पास दिस फिल्म, बिकॉज आई डू एप्रीहेंसिव होता है कभी कभी, बिकॉज सेंसर हैड्स प्रॉब्लम पहले भी होता है, एंड खास करके पॉलिटिकल फिल्म होती है. तो सो फार तो ट्रेलर तो पास हो गया, तो आई होप के पिक्चर भी इसको पास हो जाए. बोल के काय झालं? आतापर्यंत असं काय झालं नाही, आणि तुम्ही आता ट्रेलर नंतर बघायचं, तुम्हाला काय वाटतं? मत होऊ शकत ना, बघूया. अच्छा मधुर जी, आपने कहा ये रियल, इधर 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 जलवा जलवा अच्छा था. आपने कहा कि ये रियल इंसिडेंट पे बेस है, इंस्पायर्ड है. मैंने इंस्पायर्ड है, हाँ करेक्ट. तो वो जो लास्ट का डायलॉग था कि आप माँ बेटे के गुलाम हैं, हाँ. कि वो रेफरेंस किसका था? सब वो रेफरेंस कैरेक्टर्स का था जो जो हमारी फिल्म में. मेरे ख्याल से उसको टोटलिटी में जो आप सोच रही हैं वही था. वो सब लोग बैठे सोच रहे हैं, कुछ बातों के बारे में बोलना जरूरी नहीं है. आप ये जानना चाहूंगा, आपने जैसे पता कि 70% फिक्शन है, तो एक जब सच्ची घटना पर आप फिल्म बनाते हैं और उसमें अगर बहुत सारी फिक्शनल चीजें आप ऐड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ सकता है कि यार ऐसा नहीं हुआ था या वैसा नहीं हुआ. तो इस तरह की कोई अप्रिहेंशन है कि लोग बहुत सारे सवाल उठा सकते हैं कि उस इरा में ये नहीं हुआ था, क्योंकि आपने ही कहा है कि 60-70% फिक्शनल है. देखिए वो ह्यूमन स्टोरी जो है कीर्ति की जो है वो फिक्शनल है, लेकिन जो इवेंट्स हुए हैं उस दौरान 1975 और 77 के बीच में इमरजेंसी को लेकर, आप विकिपीडिया में भी देखोगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं वो इंक्लूड की है, तो वो हकीकत है, वो आप डिनाई नहीं कर सकते. क्या आप इमरजेंसी डिनाई कर सकते हो? आप नहीं कर सकते ना. जो आपातकाल हुआ था, घटना हुई थी जून से लेकर 1977 तक, 75 से 77 तो हुई थी, तो उसमें आप नकार नहीं सकते कि ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी. वो तो हकीकत है, वो तो उसी में, वो तो दिखाया है उसमें. तो मुझे नहीं लगता, अगर आई थिंक अनाउंस ऑल्सो ऑफिशियली अनाउंस एंड इट इज़ इन पेपर्स, इट इज़ डॉक्यूमेंटेड. शाह कमीशन है जैसे मैंने कहा, कई ऐसी चीज़ें हैं, दस्तावेज है जिसके अंदर वो उनका उनका चीज़ों का दिखाया है कि क्या है बोल के. वो
अच्छा एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि सेंटर में इस वक्त राइट विंग की सरकार है और आप एक फिल्म बना रहे हैं जो कांग्रेस के ज़माने की है, जो कांग्रेस जब रूल किया करती थी, तो कहीं ना कहीं आपको ये आशंका नहीं है कि लोग ऐसा सोचेंगे कि एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, कुछ पोर्ट्रे करना चाहते, कुछ इंटेंशनल है, तो उस तरह के जो रूमर्स या जो बातें आएंगी तो उससे कैसे टैकल करेंगे आप? और मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह से मुझे करना होता तो मैं 2019 से पहले दो महीने पहले रिलीज करता पिक्चर को, इलेक्शन से पहले, अगर इस तरह से मुझे लगता है, या पांच स्टेट की जो इलेक्शन अभी हो गए उससे पहले वो लाता ना पिक्चर। अभी तो मेरे ख्याल से कोई स्टेट में इलेक्शन भी नहीं है, तो 28 जुलाई से पहले तो कोई इलेक्शन नहीं लगता मुझे कोई स्टेट में है। तो जहाँ तक मुझे है कि ये बहुत न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार है, कोई भी सरकार हो, मैंने बोला किसी फिल्म, मेरी कंटेम्प्रेरी की फिल्म ही हो, कोई भी हो, अगर इस तरह का बैन होता है या इस तरह से, अब जैसे ब्लैक फ्राइडे हुआ था बैन, तो मैंने, मुझे अच्छा नहीं लगा था कि फिल्म मेकर का इंटरप्रिटेशन है या उड़ता पंजाब हाली काम किया। एंड लाइक टू से थैंक्स टू अनु मलिक सर, जितने इतना कमाल का म्यूजिक दिया है, नितिन चंद्रकांत देसाई जी, दीज आर द हीरोज, रियली द हीरोज। एंड मेरे ख्याल से नितिन देसाई के जो सेट हम लोगों को जो आपने क्रिएट करके दिया, जो दिल्ली है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड अनु मलिक साहब, जितने इतना कमाल का म्यूजिक दिया, थैंक यू सो मच फॉर द रेट्रो। एंड भरत भाई शाह, जिनकी वजह से ये पिक्चर यहाँ पे, थैंक यू भरत भाई, थैंक यू। एंड ऑल द टेक्नीशियंस, श्याम जी, अनिल पांडे, अमृता सरकार, संजय छैल, मैं नाम भूलते जा रहा हूँ, इतने लोग हैं, श्याम कौशल जी, आपने इतना अच्छा एक्शन कराया, एवरीथिंग सुपर, थैंक यू सो मच।